हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो कैसे हो आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, लास्ट वीक मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एनिमल किंगडम, जंतु जगत, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसका पूरा वो एक वीडियो में कवर नहीं हो पाया था, तो इसको हम लोग एक सेकंड वीडियो में कवर कर रहे हैं, है ना। और आज ये आप लोगों का एनिमल किंगडम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, है ना, एनिमल किंगडम। इससे आप लोगों को क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। चले दोस्तों, चलो आ जाओ। तो सभी आप लोग जुड़ जाइए, क्लास होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल किंगडम हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, रोज दोपहर 1 बजे आप लोगों की क्लास होती है अनअकैडमी पर, बिल्कुल फ्री क्लास होती है। बहुत शानदार शानदार एमसीक्यू हम लोग यहां पर करते हैं, और आप लोगों को यहां पर आप लोगों की रैंक भी मिलेगी कि आप लोगों की रैंक क्या आई है। तो इसको आप लोग बिल्कुल भी मिस ना करें, अनअकैडमी पर होती है। क्या करना है आप लोग, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाइए, मेरा नाम सर्च करिए, मुझे फॉलो करें, स्पेशल क्लासेज में सी कॉल करोगे आप लोगों को मेरी क्लास मिल जाएगी ना दोस्तों। एक मिनट रुकिए, चलिए। तो एनिमल किंगडम हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। एक बार मैं दोस्तों, एक सेकंड का टाइम दीजिए मुझे, है ना, एक मिनट का टाइम दीजिए, एक मिनट का रुकिए। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। एक्चुअली मैं गलत पीपीटी लग गई थी, पुरानी वाली लग गई थी। चलिए, तो आ जाइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को पता है एक पार्ट हम लोग पहले कर चुके थे, और ये है दोस्तों पार्ट नंबर 2, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, है ना, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों दोपहर 1 बजे आप लोगों की अनअकैडमी पर क्लास होती है, बहुत शानदार शानदार एमसीक्यू हम लोग करते हैं, यहाँ पर आप लोगों को आपकी रैंक भी मिलेगी। तो ये क्लास आप लोग मिस ना करें, रोज अनअकैडमी पर होती है 1 बजे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पर मेरा नाम सर्च करें, नीरज जांगड़, मुझे फॉलो कर लें, यहाँ पर स्पेशल क्लासेज में आप लोगों को क्लास मिल जाएगी। अगर आप लोगों से कोई कोड पूछा जाता है क्लास में एंटर करने से पहले, तो कोड आप लोग लगाइए नीरज 11 और अनलॉक आप लोग कर दें। और दोस्तों किसी भी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो आप लोग अनअकैडमी पर, यहां पर आप लोगों को कंप्लीट कोर्स मिलते हैं, यूज कोड नीरज 11, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाए। जैसे आपको SSC का चाहिए, तो जैसे ही आप लोग 12 महीने का लोगे तो 6500 का है, रेफरल कोड लगाओगे नीरज 11, तो ये आपका पड़ जाता है 5850 रुपए का, है ना। और आज शाम को 7 बजे जो ग्रुप डी 2018 का पहला दिन था, 17 सितंबर को जो क्वेश्चन पूछे गए थे, वो मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं,
चलिए स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम पार्ट टू। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में, मैं आप लोगों को थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो। मैंने आप लोगों को बताया था इस धरती पे बहुत प्रकार के जीव होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है जिससे हमारे लिए स्टडी करना पॉसिबल हो। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल से बताया था कि अगर बहुत सारी बॉल हो, अगर आप लोग इनको बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट वे में रखोगे, जैसे ब्लू को एक जगह, येल्लो को एक जगह, ग्रीन को एक जगह, तो आप लोगों के लिए स्टडी करना बहुत आसान होगा। और आप लोगों को पता है सबसे पहले जो वर्गीकरण किया था वो कार्लिनियस ने कहा किया था, इसलिए हम लोग इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण का जनक बोलते हैं। इन्होंने जो क्लासिफिकेशन करा था, इस क्लासिफिकेशन का नाम क्या था, टू किंगडम सिस्टम यानी दो जगत वर्गीकरण। इन्होंने क्या किया था, जितने भी जीव थे इनको दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया था, एक था एनिमेलिया और एक था प्लांटई। इसमें के बहुत से डिमेरिट्स थी जिसके हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। इसके बाद में दोस्तों थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया, इसके बाद में आया दोस्तों टू एम्पायर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसके बाद में आया फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस फाइव किंगडम सिस्टम में जितने भी जीव है उनको पांच जगत में वर्गीकृत किया गया, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगस, प्लांटई और एनिमेलिया। हम लोगों को कौन सा पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है ये वाला किंगडम, समझ गए। चलो तो एनिमल किंगडम में मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी जीव होता है, जैसे आप क्या हो, हम भी एक प्रकार के एनिमल है, तो हमारा किंगडम क्या हो जाएगा, जगत हमारा किंगडम हो जाएगा एनिमल। इसके बाद में दोस्तों जितने भी आपके जीव हैं उनको हम लोग फाइलम में बांटते हैं, संघ में बांटते हैं, उसके बाद में क्लास में, ऑर्डर में, फैमिली में, जीनस में, स्पीसीज में। तो अगर हम लोग बात करी थी हम लोगों ने, मैंने आपको बताया था कोई भी एनिमल होता है दोस्तों इसमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नोटोकॉर्ड, जिसको क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड। अगर हमारे में बात करें दोस्तों, जो नोटोकॉर्ड होता है ये वर्टिबल कॉलम यानी मेरुदंड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, मेरुदंड यानी वर्टिबल कॉलम, या आप लोग इसको रीढ़ की हड्डी बोल सकते हो। तो आप लोगों के जितने भी जानवर है, जितने भी एनिमल है, उसमें दो कंडीशन हो सकती है, या तो रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी या रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाएगी। तो इसके बेसिस पे, ठीक है, इसके बेसिस पे एनिमल जो किंगडम है इसको हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। क्या दोस्तों, जिनमें बैकबोन नहीं पाई जाती ऐसे जीव को हम लोग बोलते हैं इनवर्टिब्रेट, और जिनमें बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है इनको हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रेट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट कहां से करा था, यहां से करा था, इनवर्टिब्रेट से। मैंने आप लोगों को बताया था इनवर्टिब्रेट को हम लोग नौ फाइलम में, नौ संघ में विभाजित करते हैं। कौन कौन से फाइलम थे, प्रोटोजोआ था, पोरीफेरा था, सिलेंट्रेटा था, प्लैटीहेलमिंथिस था, एस्केलमिंथिस था, एनेलिडा था, आपका ऑर्थोप्रोडा था, एक आपका मोलस्का था और एक इकाइनोडर्मेटा। तो इन एक एक फाइलम में जीवों की क्या क्या विशेषता होती है ये हम लोगों ने डिस्कस करी थी। चलो तो कौन कौन सा मैंने आपको बता चुका था, मैं पोरीफेरा फाइलम के बारे में बात कर चुके थे, इसके बाद में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, सिलेंट्रेटा के बारे में बताया था, इसके बाद में हम लोगों ने क्या चीज़ें डिस्कस करी थी, प्लैटीहेलमिंथिस करी थी, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एस्केलमिंथिस। हाँ ये नहीं हुआ था ना, तो चलो नेक्स्ट फाइलम की हम लोग बात करते हैं एस्केलमिंथिस, जिसको दोस्तों दूसरा नाम क्या है इसका, नेमाटोडा। इसका दूसरा नाम क्या है, नेमाटोडा, और इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, राउंड वॉर्म के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इस फाइलम में जो जीव आते हैं इनकी क्या खास बात है, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहली खास बात क्या होती है दोस्तों, ये परजीवी होते हैं, पैरासाइट होते हैं, इसका मतलब होता है इनको कोई ना कोई जीव चाहिए जिसमें ये रह सके, ये पैरासाइट होते हैं, दूसरे की बॉडी में रहते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर आप लोगों से पूछे कि इनमें एक प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है क्या, जी इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन तंत्र होता है। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था पोरीफेरा फाइलम, वहां पर मैंने क्या बताया था, उन जीव में डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता, सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं होता, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं होता। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं एस्केलमिंथिस फाइलम वाले जीवों की, तो इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए क्या इनमें ब्रेन होता है, मस्तिष्क, नहीं दोस्तों इनमें कोई डेवलप्ड ब्रेन नहीं होता, समझ गए।
नेक्स्ट अगर आप लोगों से पूछे जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इसके एग्जांपल्स। आप लोगों से एग्जांपल्स पूछे जाते हैं कि ये एस्केरिस क्या है, तो एस्केरिस कौन से फाइलम को बिलोंग करता है, ये आपके एस्केलमेंटिस को ही बिलोंग करता है। ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हो ये किसका है, आप लोगों के एस्केरिस का। आपने बोला ये पैरासाइट होते हैं, मतलब ये दूसरे की बॉडी में रहते हैं, तो क्या हमारे में भी आ सकते हैं? कि ये बिल्कुल आ सकते हैं। और कहाँ पर पाए जाते हैं, कहाँ पर होते हैं? हमारी आंतों में, हमारी इंटेस्टाइन में होते हैं, आंतों में होते हैं। कहाँ पर होते हैं? आंतों में होते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा, वुशेरेरिया ब्रैनक्रॉफ्टी। आप लोगों से अगर पूछा जाए कि जो वुशेरेरिया होता है, वुशेरेरिया ब्रैनक्रॉफ्टी इसका पूरा नाम है, इसका कौन सा फाइलम है, तो ये भी आप लोगों के एस्केलमिंथेस फाइलम को बिलोंग करता है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है दोस्तों, इसी की वजह से आप लोगों का, इसी जीव के कारण है ना, इसी जीव के कारण आप लोगों को हाथी पाव रोग होता है। अगर आप लोगों से पूछे हाथी पाव एक जीव की वजह से होता है और इस जीव को आप लोग कौन से फाइलम में रखेंगे, तो इसका जो फाइलम होता है वो एस्केलमिंथेस होता है। ठीक है, ओके, चलो आगे। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ ये कैसा दिखता है, ये कुछ इस प्रकार का आप लोगों का दिखता है। इसी की वजह से आप लोगों को कौन सा रोग होता है, हाथी पाव रोग होता है। चलो आगे, नेक्स्ट फाइलम की हम लोग बात करते हैं, एनेलिडा। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि एनेलिडा फाइलम में जो जीव आते हैं इनमें क्या विशेषताएँ होती है, तो दोस्तों इनकी जो बॉडी होती है इसमें गोल गोल छल्ले पाए जाते हैं। पहला चीज मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं कि एनेलिडा फाइलम में जो भी जीव होते हैं इनकी विशेषताएं क्या होती है, ये ऐसे जीव है जिनके गोल गोल से छल्ले पाए जाते हैं, जिनकी बॉडी पे गोल गोल से छल्ले पाए जाते हैं। तो आप लोग देखेंगे अर्थवर्म जो होता है कैचुआ, क्या उसकी बॉडी पे ऐसे छल्ले पाए जाते हैं? बिल्कुल पाए जाते हैं। तो अगर आप लोगों से पूछा ये कौन से फाइलम को बिलोंग करेगा, तो ये आप लोगों के एनेलिडा फाइलम में बिलोंग करेगा। चलिए आगे, और क्या खास बात है इनकी दोस्तों, इनमें ब्रेन पाया जाता है, इनमें मस्तिष्क पाया जाता है, लेकिन प्राइमरी स्टेट में पाया जाता है। प्राइमरी का मतलब एक वेल डेवलप्ड नहीं होता, ब्रेन तो है लेकिन एक प्रॉपर डेवलप्ड नहीं है। क्या इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है? बिल्कुल, इसमें स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम पाए जाते हैं। स्पेशलाइज्ड का मतलब क्या है आप लोगों का, वेल डेवलप्ड। क्या मतलब है इसका, मतलब है वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें पाया जाता है। और बताइए इसकी और क्या खास बात होती है दोस्तों, एनेलिडा फाइलम के जो जीव होते हैं ये मॉइस्चर में पाए जाते हैं, नमी में पाए जाते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे जो कैचुआ होता है बरसात के टाइम पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, क्या इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है क्या, क्या इसमें प्रॉपर फ्लो होता है क्या ब्लड वगैरह का? जी, इसमें परिसंचरण तंत्र विकसित होता है, वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें होते हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कौन सा होता है, देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, जिसमें ब्लड एक प्रॉपर ट्यूब्स में बह रहा हो, प्रॉपर वेसल्स में बह रहा हो। अगर ब्लड आपकी बॉडी में प्रॉपर वेसल्स में, प्रॉपर ट्यूब में नहीं बह रहा, तो इस प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों से पूछा जाए कैचुआ में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, क्लोज पाया जाता है। ठीक है, ओके, चलो आ जाइए। इसके दो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को याद रखना है। एक तो हो जाएगा दोस्तों अर्थवर्म यानी कैचुआ, और दूसरा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लीच, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, जॉक भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग जॉक भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछा जाए लीच कौन से फाइलम को बिलोंग करता है, तो ये आपका एनेलिडा का, एनेलिडा में आ जाएगा, और आपका अर्थवर्म भी एनेलिडा का। इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑर्थोपोडा फाइलम के जीवों की क्या खास बात होती है, आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है सबसे ज्यादा जंतु कौन से फाइलम में पाए जाते हैं, तो दोस्तों सबसे बड़ा जो फाइलम है वो यही है, सबसे बड़ा फाइलम, सबसे बड़ा जो संघ है वो कौन सा है, ऑर्थोपोडा। दोस्तों जितने भी एनिमल्स होते हैं उसके 2/3 जो एनिमल होते हैं वो कौन से फाइलम को बिलोंग करते हैं, ऑर्थोपोडा। इन फाइलम में जितने भी जीव आते हैं उनकी क्या खास बात होती है, देखिए ऑर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड,
ऑर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड और पौड़ा का मतलब होता है पैर। दोस्तों इसमें जो जीव आते हैं उनके पैर जुड़े होते हैं। जैसे आपने कॉकरोच को देखा होगा, कभी कॉकरोच को उल्टा करके देखना, इसके दोस्तों जो पैर होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, ये पैर और ये पैर आपस में जुड़े होते हैं, ये पैर और ये पैर आपस में जुड़े होते हैं। मकड़ी को देखोगे उसके भी पैर क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो आप लोग मुझे खुद बताइए, मकड़ी हो गया, कॉकरोच हो गया, ये किस में आएंगे, ऑर्थोपोडा में आएंगे या नहीं आएंगे, इसी में आएंगे ना, बताइए। चलिए तो इसमें और क्या खास बात है, तो पहली चीज तो मैंने आपको बताई कि ऐसे जीव जिनके पैरों में जोड़ होते हैं, जिनके जो लेग्स होते हैं पैर वो जॉइंटेड होते हैं, वो कौन से फाइलम में आते हैं, ऑर्थोपोडा में आते हैं। और क्या खास बात है, इनमें एंटीना पाई जाती है, एंटीना आई है ना, एंटीना आंखें पाई जाती है, जैसे आप लोग देखोगे है ना, इसकी जो जैसे निकले होते हैं ना, तो उस प्रकार की आई को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीना आई। तो ऑर्थोपोडा फाइलम के जो जीव होते हैं इनमें किस प्रकार की आई पाई जाती है, एंटीना आई पाई जाती है, समझ गए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि क्या इसमें पाचन तंत्र पाया जाता है क्या, बिल्कुल इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, समझ गए। नेक्स्ट अगर आप लोगों से पूछा जाए कि क्या इसमें ब्रेन पाया जाता है क्या, बिल्कुल पाया जाता है, वेल डेवलप्ड ब्रेन होता है, प्रॉपर नर्वस सिस्टम होता है, मतलब ये सोच सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इनमें क्या सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है क्या, बिल्कुल पाया जाता है, लेकिन इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। कैसा होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बात समझ में आ गई क्या। अब दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, मैं आप लोगों से बोलूं कि जैसे किंगडम, जैसे मैंने आप लोगों को एक चीज बोला कि जो कैचुआ है, कैचुआ, और एक मैंने एग्जांपल लिया आपके सामने, ये मान लो कॉकरोच, इन दोनों का किंगडम क्या है, इन दोनों का किंगडम क्या है, मैंने बोल दिया एक और एग्जांपल ले लो मछली, इन तीनों के किंगडम क्या है, तो ये तीनों आप लोगों के एनिमल किंगडम को बिलोंग करते हैं, इन तीनों का किंगडम क्या है, एनिमल किंगडम है। चलिए ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया किंगडम के बाद में आता है फाइलम, क्या इन तीनों के फाइलम यानी संघ सेम है क्या, आप लोग बोलेंगे नहीं, कैचुआ का जो फाइलम है एनिलिडा है, क्यों है एनिलिडा, क्योंकि एनिलिडा फाइलम के जो जीव होते हैं उनके शरीर पर छल्ले पाए जाते हैं गोल गोल से, तो क्या मछली के शरीर पर पाए जाते हैं क्या, नहीं, कॉकरोच के पाए जाते हैं क्या, नहीं। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें कैचुआ का जो फाइलम हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, एनिलिडा, कॉकरोच का हो जाएगा ऑर्थोपोडा, मछली का कौन सा फाइलम होता है, मछली के बारे में तो अभी तक आपने बताया नहीं, क्यों, क्योंकि जो मछली होती है वो वर्टिब्रेट होती है, कशेरुकी होती है, तो जो वर्टिब्रेट जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं इनको कौन से फाइलम में हम लोग रखते हैं, कॉर्डेटा फाइलम में रखते हैं। चलो बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब देखिए ध्यान रखेंगे, सिर्फ मछली ही नहीं, जो हम इंसान होते हैं है ना, मनुष्य होते हैं, बंदर होते हैं, सांप होता है, कबूतर होता है, इन सभी का जो फाइलम होता है वो कॉर्डेटा होता है, लेकिन क्या इन सभी में अंतर नहीं होता क्या, अंतर होता है ना। तो दोस्तों जो फाइलम होता है ना इसको हम लोग और बांटते हैं, और क्लास में बांटते हैं, किस में बांटते हैं, क्लास में बांटते हैं, क्लियर। तो सिमिलरली ऑर्थोपोडा फाइलम की एक क्लास है, इस क्लास का नाम क्या है, इंसेक्ट, इस क्लास का नाम क्या है, इंसेक्ट, इंसेक्ट क्लास। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि जो इंसेक्ट क्लास होती है ये कौन से फाइलम के अंदर आती है, ये ऑर्थोपोडा के अंदर आती है, किसके अंदर, ऑर्थोपोडा। तो इस क्लास में जितने भी जीव हैं उसकी क्या खास बात है, प्राइमरी कलर लाल हरा नीला होता है, ये पीला, अरे अभी शिव कुमार जी छोड़ो, कल मैं बता चुका हूँ फोटोग्राफी में अलग होते हैं, आप लोग गूगल पे डाल दो प्राइमरी कलर इन फोटोग्राफी, उसका आंसर अलग आ जाएगा, आप लोग डालो प्राइमरी कलर इन टेलीविजन, उसका आंसर अलग आ जाएगा, हर जगह प्राइमरी कलर अलग अलग होते हैं, ठीक है, मैंने आपको आंख के हिसाब से बताया था कल, ठीक है शिव कुमार जी, आ जाओ। तो बात करते हैं हम लोग कौन सी क्लास की, इंसेक्ट क्लास की। तो इस क्लास के जितने भी जीव होते हैं इसकी खास बात क्या होती है, पहले तो उसके एग्जांपल में बताता हूँ, कॉकरोच हो गया, तिलचट्टा है ना, केकड़ा हो गया, झींगा हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, मधुमक्खी हो गई और मकड़ी। तो इनमें क्या होते हैं ध्यान से समझेंगे दोस्तों, सभी जो कीट होते हैं ना इसके पैर कितने होते हैं, तीन जोड़ी पैर होते हैं, यानी कुल पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, छः हो जाएंगे।
लेकिन ध्यान रखेंगे जो मकड़ी होती है, जो मकड़ी होती है और जो बिच्छू होते हैं इनमें 8 पैर होते हैं। तो अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछ ले कि जरा मकड़ी का फाइलम बताओ, तो फाइलम तो आप लोग लिख दोगे, ऑर्थोपोडा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आप लोगों को बोला कि बिच्छू का बताओ, जो बिच्छू है इसका फाइलम बताओ। ये देखो, मैंने आप लोगों को बोला तिलचट्टे का बताओ, तिलचट्टे का यानी कॉकरोच का, तो आप लोग बोलोगे तिलचट्टे का जो फाइलम है वो ऑर्थोपोडा है। लेकिन अगर आप लोगों से पूछी जाए क्लास, तो ध्यान रखेंगे जो तिलचट्टा होता है इसमें 6 पैर होते हैं, तो इसकी क्लास तो हो जाएगी इंसेक्ट, इसकी क्लास तो हो जाएगी इंसेक्ट कीट। लेकिन क्या इसकी क्लास इंसेक्ट होगी क्या? नहीं, इसकी कोई और ही क्लास होगी। तो बस आप लोगों को इस वाली क्लास के जीवों के बारे में ध्यान रखना है, जो इंसेक्ट क्लास के जो जीव होते हैं उनमें सभी में 3 जोड़ी पैर होते हैं, 6 होते हैं। ओके, आ जाओ नेक्स्ट। हम लोग बात करते हैं दोस्तों इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनो का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये इनमें ऐसे जीव आते हैं जिनके शरीर पर कांटे होते हैं, जिनके शरीर पर कांटे होते हैं। क्या होते हैं? कांटे होते हैं, कांटे। ठीक है, आ जाओ। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो इकाइनोडर्मेटा है इसमें कैसे जीव आएंगे, वर्टिब्रेट आएंगे या इनवर्टिब्रेट, कशेरुकी आएंगे अकशेरुकी? ऑब्वियसली बात है, हम लोग अभी जितने भी 9 फाइलम का मैंने आपको नाम बताया था वो सारे के सारे इनवर्टिब्रेट थे, अकशेरुकी यानी जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। समझ रहे हो? आप लोगों से पूछा जाए कि सबसे ज्यादा डेवलप्ड इनवर्टिब्रेट कौन से फाइलम वाले जीव होते हैं, तो जो इकाइनोडर्मेटा होता है इस फाइलम में जितने भी जीव आते हैं ये सबसे ज्यादा विकसित होते हैं, ये सबसे ज्यादा विकसित होते हैं। क्या आप लोग ये जीव देख पा रहे हो? कि मुझे इसका नाम नहीं पता, वैसे बताता हूँ, स्टारफिश नाम है दोस्तों। इसके शरीर पर थोड़ा कांटे जैसा कुछ आप लोग देख पा रहे हो क्या? तो इसलिए ये कौन से फाइलम में आए? इकाइनोडर्मेटा में आए। और चीज़ मुझे बताओ तो दोस्तों, इसमें सब पाए जाते हैं, पाचन तंत्र, मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, जब मैंने बोला सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। क्लियर है क्या? अगर आप लोगों से पूछे इसके एग्जाम्पल दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका, ये वाला एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से पूछा जाए कि स्टार फिश कौन से फाइलम को बिलोंग करती है, तो ध्यान रखेंगे जितनी भी मछलियां होती है उनका फाइलम क्या होता है? कॉर्डेटा होता है। फिर आप लोग बोलेंगे कि इस वाली मछली को आपने इकाइनोडर्मेटा में क्यों रखा है? जितनी भी मछलियां होती है, मछलियां क्या है? वर्टिब्रेट है, और जितने भी वर्टिब्रेट है इसको कौन से फाइलम में रखते हैं? कॉर्डेटा फाइलम में रखते हैं। लेकिन आपने इस वाली मछली को इधर क्यों रखा है? क्योंकि दोस्तों इसका नाम फिश है, ये दिखती फिश की जैसे, लेकिन ये फिश नहीं होती, ये आप लोगों की एक फॉल्स फिश है। फॉल्स फिश किसको बोलोगे? जो दिखती मछली की तरह है बट मछली नहीं होती। तो जो स्टार फिश है, अगर ये सही में मछली होती इसका फाइलम कौन सा होता? कॉर्डेटा आता। लेकिन अभी इसका फाइलम कौन सा है दोस्तों? इकाइनोडर्मेटा है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट आप लोगों से और कौन कौन से पूछा जा सकता है? सी क्यूकंबर। सी क्यूकंबर यानी समुद्री खीरा हो जाएगा, और आपका हो जाएगा सी अर्किन। ठीक है, यहां पर आप लोग देख सकते हो दोस्तों, ये देखो सी अर्किन में आप लोग देख सकते हो क्या कांटे जैसी संरचना है, क्या कांटे जैसी संरचना है? क्या बिल्कुल है, ये आपका हो जाएगा सी क्यूकंबर यानी समुद्री खीरा। आप लोगों को देखने पे लग रहा होगा कि भैया एक प्रकार की कोई मछली होगी, अगर मछली होता तो इसका फाइलम कौन सा होता? कॉर्डेटा होता। ये आपकी मछली नहीं है, ध्यान रखेंगे इसका फाइलम कौन सा है? इकाइनोडर्मेटा इसका फाइलम है। दोस्तों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। चले आगे, जल्दी से बताएंगे दोस्तों, चले आगे। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं, जल्दी से बताएंगे, चले आगे। सर ऑक्टोपस के बारे में बताओ, ऑक्टोपस के बारे में बताएंगे, टेंशन क्यों लेते हो, अभी ये सब आएगा। लो आ गया आपका ऑक्टोपस। नेक्स्ट फाइलम की हम लोग बात करते हैं मोलस्का। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि मोलस्का फाइलम के जो जीव होते हैं इनकी क्या खास बात होती है, इनकी खास बात होती है कि दोस्तों ये ऐसे जीव होते हैं इनके शरीर पर कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग होती है, CaCO3। ये कवरिंग देख पा रहे हो, ये कवरिंग, ये आप लोगों के कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग होती है। ठीक है, आप लोगों से पूछा जाए कि क्या इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम पाया जाता है क्या? बिल्कुल पाया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल बताओ, तो इसके दो एग्जाम्पल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आप लोगों का हो जाएगा कौन सा? ऑक्टोपस, जो भी किसी ने पूछा है, और एक आपका हो जाएगा दोस्तों स्नेल यानी घोंगा, और एक आपका हो जाएगा सेपिया।
अब देखो एक चीज ध्यान से रखो, आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कि डेविल फिश का फाइलम कौन सा है, अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कि डेविल फिश का फाइलम कौन सा है, आप लोग सोचेंगे ये तो फिश है, और जितनी भी मछलियां होती है उनका फाइलम क्या होता है, कॉर्डेटा होता है, और आप लोग कॉर्डेटा पे क्लिक कर देंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे जो ऑक्टोपस होता है इसी को हम लोग डेविल फिश बोलते हैं, इसको फिश को बोल रहे हैं क्योंकि दोस्तों ये फिश की जैसे दिखती है लेकिन ये फिश नहीं होती। तो ये आपका फाइलम कौन सा हो जाएगा, ऑक्टोपस का, मोलस्का हो जाएगा, ठीक है। स्नेल घोंगा, स्नेल का फाइलम कौन सा हो जाएगा, मोलस्का हो जाएगा। दोस्तों सेपिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कटल फिश बोलते हैं, कटल फिश का ही दूसरा नाम क्या है, सेपिया है। तो बहुत कंफ्यूजन होता है अगर एग्जाम में पूछ ले कटल फिश जो होती है इसका फाइलम बताओ, आप सोच रहे हो मछली है, इसका फाइलम कॉर्डेटा होगा, जितनी भी मछलियां होती है उनका फाइलम कॉर्डेटा होता है। लेकिन दोस्तों ये आप लोगों की एक फॉल्स फिश है, फॉल्स फिश का मतलब क्या होता है, दिखती फिश की तरह है बट फिश नहीं होती। तो फिश नहीं है तो इसका फाइलम कॉर्डेटा तो नहीं हो सकता, कुछ और होगा, कुछ और क्या हो जाएगा, मोलस्का। दोस्तों समझ में आ गया क्या, जल्दी से बताओ बात समझ में आई या नहीं आई। चलो और नेक्स्ट फाइलम की हम लोग बात कर रहे हैं वो है प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोटोजोआ के बारे में क्या है, आप लोगों को बोला जाए कि कौन से फाइलम के जीवों को फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है, प्रथम जंतु बोला जाता है, तो आपका आंसर होगा प्रोटोजोआ। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो प्रोटोजोआ फाइलम वाले जितने भी जीव होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टी सेलुलर, ये आप लोगों के होते हैं यूनिसेलुलर, यानी एक कोशिकीय के जीव होते हैं, ये आपके एक कोशिकीय जीव होते हैं। चलो और बताओ, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ये पैरासाइट होते हैं नॉन पैरासाइट। दोस्तों ये पैरासाइट होते हैं, जैसे आप लोगों को पता है डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोजोआ की वजह से आप लोगों को कोई ना कोई डिजीज हो जाती है ना, उसका कारण क्या है, क्योंकि वो आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है, उसको कोई ना कोई होस्ट चाहिए, कोई ना कोई बॉडी चाहिए जिसमें वो रह सके, वो पैरासाइट है, परजीवी है वो। तो बहुत सारे पैरासाइट ऐसे हैं जिसकी वजह से आप लोगों को डिजीज हो जाती है। जैसे मैं बात करूं प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या है, ये भी तो एक प्रकार का पैरासाइट ही तो है, इसकी वजह से कौन सा रोग हो जाता है, आप लोगों को मलेरिया रोग हो जाता है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जो प्लाज्मोडियम होगा इसका फाइलम कौन सा होगा, जल्दी से बताओ जब तक मैं आगे बताता हूं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों ये एक्वेटिक होते हैं, जलीय होते हैं, जल में रहने वाले जीव होते हैं, है ना, इसका एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, देखो प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम क्या है, सर ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, एक प्रकार का प्रोटोजोआ, मतलब जो प्रोटोजोआ फाइलम के जो जीव होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोजोआ। तो ये जो प्लाज्मोडियम होता है तो क्या ये पैरासाइट होगा, क्या इसको चाहिए क्या कोई ना कोई बॉडी हो, बिल्कुल। तो प्लाज्मोडियम अगर हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है तो हमें कौन सा डिजीज हो जाती है, मलेरिया रोग हो जाता है। सिमिलरली दोस्तों जो ट्रिपेनोसोमा, क्या ये भी एक पैरासाइट है क्या, बिल्कुल है, अगर प्रोटोजोआ फाइलम में आ रहा है तो पैरासाइट ही होगा। तो अगर आपकी बॉडी में ये एंटर कर जाता है तो आपको कौन सी डिजीज हो जाएगी, स्लीपिंग सिकनेस, कौन सी हो जाएगी, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज हो जाएगी। अगर आप लोगों से पूछा जाए जो अमीबा होता है इसके फाइलम का नाम बताओ, तो जो अमीबा होता है इसका फाइलम कौन सा हो जाएगा दोस्तों, प्रोटोजोआ, इसका फाइलम क्या हो जाएगा आपका, प्रोटोजोआ, ठीक है। चले आगे, चलो आगे, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपके स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे, है ना, बताओ। एक चीज हम लोग समझते हैं रेडियल एंड बाइलेटरल सिमेट्री, क्या हम लोग समझ रहे हैं, रेडियल एंड बाइलेटरल सिमेट्री के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। दोस्तों ये फाइलम आपका इधर गलत आ गया, ये एनिमल में नहीं आएगा, आई एम रियली सॉरी, ये आप लोग का एनिमल किंगडम में नहीं आएगा दोस्तों, इस फाइलम को छोड़ दो, ये है ना, ये फाइलम जो है आपको छोड़ दो, प्रोटिस्टा में आएगा, ये प्रोटिस्टा में आएगा, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, ये फाइलम आपके एनिमल में नहीं आएगा, इसको छोड़ दो आप, इस फाइलम को आप लोग छोड़ दो, ये पढ़ेंगे हम लोग प्रोटिस्टा में, ठीक है, ये प्रोटिस्टा किंगडम में आएंगे, ये एनिमल में नहीं है, तो इस वाले फाइलम को आप छोड़ दो, ये स्लाइड गलत लग गई है ना। चलो आ जाओ, एक चीज हम लोग समझते हैं रेडियल एंड बाइलेटरल सिमेट्री, आप लोग मुझे बताइए जो हम है वो रेडियल सिमेट्री का या बाइलेटरल सिमेट्री के बताओगे, जल्दी से बताइए। आप लोगों से अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि जो रेडियल सिमेट्री है होती है और बाइलेटरल सिमेट्री होती है, मुझे नहीं पता लेटरल क्या होता, ये रेडियल सिमेट्री क्या होती है, बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है, बस आप एक बार खुद कॉमन सेंस लगा के बताओ
कि आप जो है वो रेडियल सिमेट्रिक है या बाइलेटरल सिमेट्रिक है। देखो बाइलेटरल का मतलब क्या है कि मतलब आप लोग दोनों, जैसे मैं अगर आप लोग को बोलूं कि अगर ये एक्सिस आप लोग खींचो तो जैसा पार्ट आपका राइट का है वैसा ही पार्ट आपका लेफ्ट का है ना, बिल्कुल है ना, तो हम लोग बाइलेटरल सिमेट्रिक है। रेडियल सिमेट्रिक कौन से होते हैं, जैसे आप लोगों को मैं ये वाले जीव के बारे में बताता हूँ। देखो ये कौन सा था बताओ, स्टार फिश। तो अगर आप लोग देखो इसको, ये रेडियल सिमेट्री होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे करो तो जैसा इधर वैसा इधर, ऐसा करोगे जैसा इधर वैसा इधर, ऐसा करोगे जैसा इधर वैसा इधर, तो ये आप लोग के रेडियल सिमेट्रिक होते हैं। जबकि कुछ जीव जैसे मान लो ये आप लोगों को देख पा रहे हो, ये आपका बाइलेटरल सिमेट्री है, आप जो हो आप भी बाइलेटरल सिमेट्रिकल हो। तो यार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन बाइलेटरल सिमेट्रिक है या फिर कौन आपका रेडियल सिमेट्रिक है, तो आप लोग आंसर कैसे देंगे, क्या सबके बारे में याद रखोगे क्या कि भैया ये जो आपका स्टार फिश है ये रेडियल सिमेट्रिक है, आपका कॉकरोच ये है, स्नेल ये है, याद रख सकते हो क्या? तो छोटी सी ट्रिक बता दूँ क्या, सिंपल सी ट्रिक बता दूँ क्या, एक ट्रिक याद रखो दोस्तों, CER। इस CER का मतलब क्या है, इस CER का मतलब क्या है दोस्तों, सीलेंट्रेटा जो फाइलम होता है ना, सीलेंट्रेटा फाइलम, अरे बताया था क्या मैंने, सीलेंट्रेटा फाइलम भूल गए क्या, सीलेंट्रेटा जिसका दूसरा नाम होता है नाइडेरिया, तो सीलेंट्रेटा फाइलम हो गया और आपका इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, ये दो फाइलम में जितने भी जीव आएंगे उनमें कैसी सिमेट्री होगी, रेडियल सिमेट्री होगी। जैसे अभी अभी मैंने बताया आप लोगों को कि जो स्टारफिश होता है इसका फाइलम क्या होता है, इकाइनोडर्मेटा होता है, तो अगर इकाइनोडर्मेटा फाइलम है तो इसमें क्या रेडियल सिमेट्री होगी या नहीं होगी, बताओ याद रख लोगे क्या, एक ट्रिक से याद रख सकते हो क्या, सिंपल सी बात यह है, एक ट्रिक से याद रख सकते हो क्या भैया, आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि जो स्नेल होता है घोंगा उसमें किस प्रकार की सिमेट्री होती है, जरा बताओगे स्नेल यानी घोंगा में किस प्रकार की सिमेट्री होती है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। मैंने आपको दो ऑप्शन दिया कि बाइलेटरल सिमेट्री होगी या आप लोगों का रेडियल सिमेट्री होगी, आप लोग जानते हो स्नेल कौन से फाइलम में आता है, जल्दी से बताए। अरे भैया आप लोगों का घोंगा हो गया, ऑक्टोपस हो गया, कौन से फाइलम में आता है, ये मोलस्क का फाइलम में आता है, ठीक है, तो क्या रेडियल हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि जो रेडियल सिमेट्री होती है वो तो केवल दो फाइलम वाले जीवों में होती है, एक तो सीलेंट्रेटा में होती है, एक इकाइनोडर्मेटा में होती है, फिर भैया मोलस्का में कौन सी होगी, बाइलेटरल होगी, बताओ। ओके समझ गए क्या, क्या बात है, सभी का आंसर आ गया बाइलेटरल होगा, रेडियल जवाब मत दो क्योंकि अभी भी मैंने बताया जो घोंगा है वो मोलस्का फाइलम का सदस्य है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वर्टिब्रेट की, जितने भी इनवर्टिब्रेट होते हैं, इनवर्टिब्रेट का मतलब अकशेरुकी, अकशेरुकी आप लोगों ने किसको बोला, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, और जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है इनको हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रेट और हिंदी में बोलते हैं कशेरुकी। तो अब जितने भी आप लोगों के वर्टिब्रेट है कौन कौन से हैं, ये आप लोगों के मछली वर्टिब्रेट है क्या, बिल्कुल है, बताओ, बंदर है क्या, बिल्कुल है, सांप है क्या, बिल्कुल है, मगरमच्छ है क्या, बिल्कुल है, मनुष्य है क्या, बिल्कुल है, कबूतर है क्या, बिल्कुल है, तो यार बहुत सारे, तो इसका मतलब क्या मछली में और हमारे में कोई अंतर नहीं है क्या, हमारे में और सांप में कोई अंतर नहीं है क्या, सांप में और कबूतर में कोई अंतर नहीं है क्या, बिल्कुल है, ठीक है। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जितने भी आप लोगों के वर्टिब्रेट होते हैं, जितने भी कशेरुकी होते हैं, इनका फाइलम कौन सा होता है, अगर आप लोगों से पूछे इनका फाइलम यानी इनका संघ कौन सा होता है, तो इनका संघ होता है दोस्तों कॉर्डेटा, इनका फाइलम कौन सा होता है, इनका संघ कौन सा होता है, कॉर्डेटा फाइलम के ये जीव होते हैं। लेकिन क्या हम लोगों को इनको और क्लासिफाई करना पड़ेगा क्या, बिल्कुल क्लासिफाई करना पड़ेगा। तो ध्यान रखेंगे कि जितने भी आप लोगों के वर्टिब्रेट होते हैं या जितने भी कॉर्डेटा फाइलम वाले जितने भी जीव होते हैं, इनको हम लोग 5 क्लास में वर्गीकृत करते हैं, कितने में, 5 क्लास में वर्गीकृत करते हैं। ये 5 क्लासें कौन कौन सी होती है, तो दोस्तों एक होती है आप लोगों की पाइसेस, पाइसेस का मतलब होता है दोस्तों फिश, है ना, फिश, फिश, आपके एम्फीबियंस यानी उभयचर, रेप्टाइल्स जिसको हिंदी में सरीसृप बोलते हैं, एविज जिसको हिंदी में पक्षी बोलते हैं, मैमल्स जिसको हिंदी में स्तनधारी बोलते हैं।
तो आप लोग मुझे खुद बताइए, जितनी भी फिश होगी, जितनी भी मछलियाँ होगी, इनका फाइलम कौन सा होगा? इनका फाइलम होगा दोस्तों कॉर्डेटा। जितने भी पक्षी होंगे उनका फाइलम कौन सा होगा? कॉर्डेटा। जितने भी मैमल्स होंगे, मैमल्स क्या होते हैं दोस्तों? जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। क्या ह्यूमंस भी मैमल्स है क्या? बिल्कुल है। तो जितने भी स्तनधारी होंगे उनका फाइलम भी कॉर्डेटा। जितने रेप्टाइल्स होंगे, रेप्टाइल्स क्या होते हैं? जो रेंग रेंग कर चलते हैं, जैसे आप लोगों की छिपकली हो गई, शार्प हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, इनका भी क्या फाइलम कॉर्डेटा होगा क्या? बस इतना सा बताओ। अभी हम लोग एक एक क्लास को डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। तो आइए पहले इनके बारे में जो बेसिक डिफरेंस है वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि आपने किस बेसिस पे इनको अलग अलग क्लासिफाई किया है। तो अगर आप लोगों से पूछे कि पाइसेज जो क्लास है इसके जितने भी जीव होते हैं ये कहाँ पर रहते हैं दोस्तों? ये जल में रहते हैं। भाई मछलियाँ कहाँ पर रहती हैं? जल में रहते हैं। अगर बात करें एम्फीबियंस, उभयचर, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ऐसे जीव जो पानी में भी रहते हैं, ज़मीन पर भी रहते हैं, इनको हम लोग हमने किस क्लास में रखा है? उभयचर में रखा है। किस वर्ग में रखा है? उभयचर में। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा आपका मेंढक। क्लियर है क्या? जो रेप्टाइल्स होते हैं ये भी आपके जल और पानी दोनों में रहते हैं। जैसे आपका क्रोकोडाइल रेंग रेंग के चलता है ना, तो क्रोकोडाइल आपका पानी में भी रहता है। ठीक है, समझ गए बात को। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पक्षी। तो पक्षी आप लोगों का जल नहीं आएगा ये, ठीक है? ये तो आप लोगों के हवा में ही उड़ता है। और आप लोगों के कहाँ पर? स्थल पर। और जितने भी मैमल्स होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं? स्थल पर रहते हैं। और डिफरेंस क्या है? तो अगर मैं आप लोगों को एक बेसिक डिफरेंस बताऊं, तो जो हम ह्यूमंस होते हैं इनमें जो हर्ट होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। तो ध्यान रखेंगे, जितने भी मैमल्स होते हैं उनका हर्ट कितने चैम्बर होता है? 4 चैम्बर का हर्ट होता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे, ये सीधे सीधे क्वेश्चन आता है। अगर आप लोगों से पूछे कि जो पक्षी होते हैं उनका हर्ट कितने चैम्बर का होता है? पक्षी का भी जो हर्ट होता है वो 4 चैम्बर का होता है। जैसे मैंने बोला तोता, कबूतर, तो क्या आप लोगों को सबके बारे में याद रखने की जरूरत है क्या? बस याद रखो, जितने भी पक्षी है उनके सभी के जो हृदय होते हैं वो 4 चैम्बर के होते हैं। दोस्तों जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके हृदय कितने चैम्बर के होते हैं? 3 चैम्बर के होते हैं, यानी उनमें 3 भाग होते हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, ध्यान रखेंगे, जो क्रोकोडाइल है ना, मगरमच्छ, जो मगरमच्छ होता है उसकी क्लास कौन सी है, उसका वर्ग कौन सा है? रेप्टाइल है। लेकिन इसके हृदय में 4 चैम्बर हर्ट पाए जाते हैं, ठीक है। एम्फीबियंस, उभयचर, जैसे आप लोगों का मेंढक हो गया, तो मेंढक के हृदय में कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 3 चैम्बर पाए जाते हैं। अगर आप लोगों, ये क्वेश्चन इस बार का कोंकण रेलवे का पेपर हुआ था ना, कोंकण रेलवे टेक्नीशियन का, जिसमें 20 नंबर की साइंस थी, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हर्ट होता है, हृदय होता है मछलियों का, उसमें कितने चैम्बर हर्ट होता है? वो 2 चैम्बर हर्ट होता है। अरे समझ गए क्या बात को? ओके, और डिफरेंस क्या बता सकते हो? तो अभी तो केवल आप लोग ये डिफरेंस समझो, इस वाले डिफरेंस को एक बार आप छोड़ दीजिए। तो क्या ये आप लोगों को 2 डिफरेंस समझ में आए मेजर? और डिफरेंस समझते हैं, फिर एक एक को हम लोग डिटेल में समझेंगे, टेंशन मत लो। और डिफरेंस क्या होता है? अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इनमें जनन कैसा होता है, इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, तो आप लोगों को पता है रिप्रोडक्शन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सेक्सुअल, एक होता है असेक्सुअल। सेक्सुअल क्या होता है? जिसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट होना जरूरी है, या इसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। और असेक्सुअल जिसमें केवल और केवल सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। जैसे मैं आप लोगों से बात करूँ, जो अमीबा होता है ना, अमीबा में क्या होता है, ये आप लोगों को खुद ही ऐसे 2 पार्ट में टूट जाता है, तो ये एक अलग जीव बन जाता है, ये एक अलग जीव बन जाता है। जबकि आपको पता है ह्यूमंस में है ना, नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करने के लिए फिजिकली कॉन्टैक्ट होना जरूरी है। तो हमारे में जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल होता है या असेक्सुअल होता है? दोस्तों हमारे में सेक्सुअल होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर जितनी भी क्लासेस देख पा रहे हो सभी में जो रिप्रोडक्शन होता है कैसा होता है? सेक्सुअल होता है। चाहे मैं आप लोगों से बात करूँ, बंदर क्या है, एक मैमल्स में आता है, स्तनधारी में आता है, तो बंदर में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना। अगर फिशेज की बात करें, इनमें भी सेक्सुअल होता है। तो सभी में जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल होता है। भैया ऐसे थोड़ी है कि भैया मछली है, ये टूट के एक नई मछली बन गई, ऐसा देखा है कि कभी आपने? असेक्सुअल होता है क्या? अरे बताओ। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इन सभी में किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल होता है। अब देखिए, जब बच्चे पैदा करते हैं 2 कंडीशन हो सकती है, या तो सीधे आप लोग बच्चे को पैदा कर रहे हो, या फिर अंडे दे रहे हो, फिर उससे बच्चा डेवलप हो रहा है। तो ध्यान रखेंगे, ये 4 क्लास वाले जितने भी जीव होते हैं ये आपके ओवीपेरस होते हैं। कैसे होते हैं? ओवीपेरस होते हैं। ओवीपेरस का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये अंडे देते हैं,
ये क्या देते हैं, ये आपके अंडे देते हैं, ये अंडे देते हैं, ये अंडे देते हैं, जबकि जो मैमल्स होते हैं वो विवीपोरस होते हैं। विवीपोरस का मतलब क्या है दोस्तों, ये सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, ये सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। तो इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, अभी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, मैमल्स सब मैं समझा दूंगा। अभी आप लोग मोटा मोटा देखे, जनरली देखे, एक ब्रॉड टर्म में देखे तो आप लोगों का यही कंडीशन फॉलो होती है कि जितने भी मैमल्स होते हैं, जितने भी स्तनधारी होते हैं, वो अंडे नहीं देते, वो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है, उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। चलो, अगर आप लोगों से पूछे इनकी बॉडी का टेम्परेचर कैसा होता है, तो दोस्तों पाइसेस क्लास वाले जितने भी जीव है, एम्फीबियंस क्लास वाले जितने भी जीव है, रेप्टाइल्स क्लास वाले जितने भी जीव है, इनमें किस प्रकार का टेम्परेचर होता है, इनकी बॉडी कैसी होती है, कोल्ड ब्लडेड होती है। अब क्वेश्चन ये आता है, कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं, इसको हिंदी में बोला जाता है, ये शीत रक्त जानवर होते हैं, ये शीत रक्त जानवर होते हैं। शीत रक्त जानवर क्या होता है कि अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर एटमोस्फेयर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, जैसे मान लीजिए अभी बाहर का टेम्परेचर कितना है, फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बाहर का जो टेम्परेचर मान लीजिए 42 डिग्री सेल्सियस है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, नॉर्मल टेम्परेचर 37 है, तो क्या आपकी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा क्या, आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी बाहर की जितना ज़्यादा हो जाएगा क्या, या बहुत ज़्यादा सर्दी है बाहर मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस ही है, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 ही रहेगा या कम हो जाएगा, 10 हो जाएगा बाहर की जैसे, कम नहीं होगा ना। तो अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स, यानी गर्म रक्त वाले जानवर, गर्म रक्त वाले जानवर। और अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के अकॉर्डिंग, एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड। जैसे भैया अगर मैं बात करूँ छिपकली, तो मुझे खुद बताओ छिपकली का जो टेम्परेचर होगा वो बाहर के अकॉर्डिंग चेंज होगा या नहीं होगा, बिल्कुल चेंज होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों जो छिपकली होती है उसकी क्लास क्या होती है, रेप्टाइल्स होती है, और रेप्टाइल क्लास में जितने भी जीव आते हैं वो कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। दोस्तों समझ में आया नहीं आया, अब हमें आप लोगों को यहां पर जो इंपॉर्टेंट क्लास है उसके बारे में मैं समझाता हूं। जैसे आपकी मैमल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पाइसेस, देखो ये दोनों तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। इससे बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्यों इतना इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, बाकी है तो सारी चीज़ें सिंपल। लेकिन देखिए आप लोगों को पता है कई फिश ऐसी है जिनके नाम के आगे फिश लग रहा है ना, जैसे मैं आप लोगों से बोलूँ अभी स्टार फिश देखा आपने, तो जल्दी से आप लोगों को तो स्टार फिश को इस अकॉर्डिंग बता दोगे। लेकिन अगर बात करें स्टार फिश की, तो भैया उसकी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती नहीं है, क्योंकि स्टार फिश रियल में एक मछली है ही नहीं, है ना। तो जितने भी एक्सेप्शन होते हैं इनसे बहुत क्वेश्चन आप लोगों से आते हैं, आ जाओ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कौन सी क्लास, कौन से वर्ग वाले जीवों के, पाइसेस क्लास के बारे में बात कर रहा हूं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मत्स्य वर्ग। क्लास का मतलब होता है यहां पर वर्ग, कक्षा नहीं होता यहां पर, है ना। चलो, तो यहां पर मैं सबसे पहले आपको एग्जांपल बता रहा हूं किसके, जो रियल में फिश है इनको हम लोग बोलते हैं ट्रू फिश। आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा, जैसे मान लो आप लोगों से एग्जाम में पूछा आ गया शार्क, है ना, जिसको एग्जाम में आ गया डॉग फिश, तो आपको लगता होगा यार डॉग फिश नाम में ही कुछ घपला लग रहा है यार, ये रियल में मछली नहीं है, आपको यही लगेगा डॉग फिश। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो डॉग फिश है वो एक रियल में मछली है, जो डॉग फिश है वो रियल में एक मछली है, डॉग फिश जो है एक रियल में मछली है। इसका दूसरा नाम क्या है, शार्क है, तो शार्क एक कैसी है, ट्रू फिश है। और शार्क के बारे में ध्यान रखेंगे दोस्तों, इनमें हड्डी नहीं होती है, इनमें हड्डी नहीं होती है, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आप लोगों से पूछ लिया सी हॉर्स, समुद्री घोड़ा, कि समुद्री घोड़ा कौन सी क्लास का जीव है। आप लोगों को लगेगा यार ये तो घोड़ा है, ये पाइसेज में तो नहीं आता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं जो समुद्री घोड़ा है वो एक प्रकार की मछली है। कैसी मछली है, ये दुनिया की सबसे स्लोएस्ट मछली है, दुनिया की सबसे धीमी मछली है। ओके दोस्तों, कोई समस्या,
कोई दिक्कत तो आप लोग मुझे बताइए। समुद्री घोड़ा का अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा गया इसका फाइलम कौन सा होगा तो आपका आंसर क्या होगा? समुद्री घोड़ा क्या सही में एक मछली है क्या? बिल्कुल है। और जितने भी मछली होती है उनका फाइलम क्या होता है? कॉर्डेटा होता है। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछे कि सी हॉर्स क्या है, दोस्तों हिप्पोकैम्पस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सी हॉर्स यानी समुद्री घोड़ा बोलते हैं और ये दुनिया की सबसे धीमी मछली है। आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया मॉस्किटो फिश है ना, मॉस्किटो फिश यानी मच्छर मछली, आप लोग फिर कंफ्यूज हो गए यार, मेरे को ऐसा लग रहा है कि फिश नहीं है, लेकिन दोस्तों ये भी एक कैसी है, ट्रू फिश है। इसको मॉस्किटो फिश क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये मच्छर को खाती है। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? गंबूसिया। इसका दूसरा नाम क्या है? गंबूसिया। अरे याद रह जाएगा क्या, जल्दी से बताओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टोन फिश, तो स्टोन फिश भी क्या सही में फिश है क्या? जी दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पर सभी ट्रू फिश के एग्जांपल बता रहा हूँ। तो स्टोन फिश की ऐसी क्या खास बात है? ये सबसे जहरीली मछली होती है। चलो आगे, और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कॉड है ना, ये कॉड भी एक मछली है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, कॉड भी एक मछली है। तो ये तो सभी मैंने आपको ट्रू फिश बताई, लेकिन भैया एग्जाम में आपको कंफ्यूज करेगा फॉल्स फिश देखे, तो सभी फॉल्स फिश के बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जिसको हम लोग बोल सकते हैं झूठी मछली। झूठी मछली क्यों बोल रहे हैं बताओ जल्दी से, झूठी मछली क्यों बोल रहे हैं हम लोग इसको? झूठी मछली क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भैया इसका नाम के आगे फिश लगा हुआ है, लेकिन ये रियल में फिश नहीं होती। आ जाइए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेविल फिश। आप लोग सोचेंगे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डेविल फिश का फाइलम बताओ, आप लोग सोचेंगे फिश है इसका तो फाइलम कॉर्डेटा होगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जो ऑक्टोपस हम लोगों ने पढ़ा था इसी को ही हम लोग डेविल फिश बोलते हैं। तो फिर इसका फाइलम कॉर्डेटा हो सकता है क्या? नहीं। ऑक्टोपस कौन से फाइलम में आता है? ऑक्टोपस आपके आता है मोलस्का में। मोलस्क के फाइलम के दो एग्जांपल मैंने बताया था, एक तो बताया था ऑक्टोपस और एक बताया था स्नेल यानी घोंगा। ठीक है, चलो आगे, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अरे दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, टॉपिक समझ में बताओ। जल्दी से बताओ, आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? सबको बहुत हार्ड लगता है, लेकिन हार्ड उनको लगता है जो सोचते हैं हार्ड है, जो समझने की कोशिश करते हैं उनको सबसे बढ़िया सबसे सिंपल टॉपिक लगता है ये। ठीक है, चलो आ जाओ, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टार फिश। भैया स्टार फिश के बारे में मैंने अभी अभी बताया, आप लोगों को कैसे पता पड़ेगा स्टार फिश का फाइलम क्या है? तो जो स्टार फिश होती है इसमें क्या रेडियल सिमेट्री पाई जाती है क्या? और रेडियल सिमेट्री केवल और केवल दो फाइलम वाले जीवों में पाई जाती है। कौन सा? सी ई आर। सी से याद रखोगे दोस्तों सिलेंट्रेटा, ई से याद रखेंगे इकाइनोडर्मेटा। तो अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया स्टार फिश का फाइलम बताओ, तो क्या आप लोग कॉमन सेंस लगा के ये बता सकते हो क्या? या तो उसका फाइलम सिलेंट्रेटा होगा या इकाइनोडर्मेटा होगा, बताओ। कहानी क्लियर है क्या दोस्तों बताओ? तो आप लोग सिंपल ये बता सकते हो कि इन दोनों में से कोई आंसर होगा। अब आपको रेयरली में एक ही आंसर पे पहुंचना है, तो और आप लोग कैसे याद रख सकते हो दोस्तों? स्टार फिश में थोड़े से कांटे जैसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, और जिनमें कांटे होते हैं जिनके शरीर पर, वो कौन से फाइलम में आते हैं? वो इकाइनोडर्मेटा में आते हैं। क्लियर, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं और मछलियों की बात करते हैं। ये आपका हो जाएगा दोस्तों जेली फिश। देखो जेली फिश तो मैंने आप लोगों को बताया भी था, जब हम लोगों ने कौन सा फाइलम पढ़ा था, जब लास्ट मैंने आप लोगों को क्लास में सिलेंट्रेटा नाइडेरिया के बारे में बताया था ना, तो दोस्तों सिलेंट्रेटा आप लोगों के जो जेली फिश होती है ये सही में एक मछली नहीं होती, ये आपकी एक फॉल्स फिश है, और आपकी फॉल्स फिश है तो इसका फाइलम कॉर्डेटा नहीं हो सकता, कुछ और ही होगा। तो सिलेंट्रेटा इसका फाइलम होता है, या फिर आप लोग बोल सकते हो नाइडेरिया। चलो आगे, नेक्स्ट बात करते हैं सिल्वर फिश। तो सिल्वर फिश की अगर बात करें तो ये भी एक मछली नहीं है, मछली नहीं तो इसका फाइलम कॉर्डेटा नहीं होगा, कौन सा होगा? ऑर्थोप्रोडस का फाइलम होता है, ध्यान रखेंगे। अरे क्या क्लियर है क्या? तो मैंने पाइसेज क्लास के बारे में आप लोगों को पूरा बता दिया। नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करते हैं मैमल्स, और इस मैमल्स को हिंदी में हम लोग बोलते हैं स्तनपाई, या फिर आप लोग बोल सकते हैं स्तनधारी। जरा मुझे बताएंगे जितने भी स्तनधारी होंगे इनका फाइलम कौन सा होगा, ये कौन से संघ के अंदर आएंगे? इनका फाइलम बताओ, इनका संघ बताओ,
इनका संघ बताओ, इनका फाइलम बताओ। सर शार्क में बोन नहीं है तो कोर्डेटा कैसे हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इधर आओ, इधर आओ। मैंने आप लोगों को क्या कंडीशन बताई थी कि जितने भी आप लोगों के वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके लिए क्या कंडीशन होती है, उनमें बैकबोन पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। अब आप लोग बोलेंगे कि जो शार्क है उसमें तो हड्डी पाई नहीं जा रही, तो फिर वो कैसे वर्टिब्रेट हुआ? मैंने आपको बताया था इससे पहले कुछ और चीज़ कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें दोस्तों ये स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नोटोकॉर्ड, जो कि कन्वर्ट होके किस में बन जाते हैं, मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी में। तो माना हड्डी नहीं है लेकिन दोस्तों ये वाला स्ट्रक्चर तो उसके होता है, इसलिए हम लोग उसको वर्टिब्रेट बोलते हैं। समझ गए आगे? चलिए नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। चलिए नेक्स्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं, मैमल्स यानी स्तनधारी। तो अगर आप लोगों से पूछे कि जो मैमल्स होते हैं ये कौन से फाइलम में बिलोंग करते हैं, तो जो मैमल्स का फाइलम हो जाएगा, अभी तो मैंने बताया जितने भी आपकी हड्डियां पाई जाती है जिनमें, उनका फाइलम कौन सा हो जाएगा? कॉर्डेटा फाइलम हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों जो मैमल्स होते हैं ये आप लोगों के तीन टाइप के होते हैं। एक तो होता है आप लोगों का क्या, प्रोटोथीरिया। एक क्या हो जाएगा? प्रोटोथीरिया। दूसरे फाइलम का नाम बताओ। दूसरे फाइलम का नाम हो जाएगा मेटाप्थीरिया। कौन सा हो जाएगा? मेटाप्थीरिया। और तीसरा फाइलम कौन सा हो जाएगा, सॉरी ये तीसरा प्रकार क्या हो जाएगा मैमल्स का? यूथेरिया। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए प्रोटोथीरिया ये क्या है, मैमल्स का एक प्रकार है, तो इस प्रकार में क्या खास बात होती है? मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जितने भी मैमल्स होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं दोस्तों, बच्चों को जन्म देते हैं। लेकिन कुछ मैमल्स ऐसे भी होते हैं जो कि अंडों को अंडे देते हैं, है ना। तो अंडे देने वाले स्तनधारी जो होते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं प्रोटोथीरिया। तो ये एक्सेप्शन हो गया ना, जितने भी मैमल्स होते हैं जितने भी स्तनधारी होते हैं बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन ये क्या देते हैं, पहले अंडा देते हैं फिर उस अंडे से बच्चा आता है। तो अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए ऐसे मैमल्स का नाम बताओ जो अंडे देते हैं, उन मैमल्स को क्या बोलेंगे? प्रोटोथीरिया। और एग्जाम्पल्स आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम्पल आप लोगों के कौन कौन सा हो जाएगा, एक तो हो जाएगा एकेडना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक आपका हो जाएगा प्लेटिपस। ठीक है, एक हो जाएगा एकेडना और एक हो जाएगा प्लेटिपस। और इन दोनों के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जो मैमल्स होते हैं जो स्तनधारी होते हैं उनके जो टेस्टिस होते हैं ना वो बाहर होते हैं शरीर के, लेकिन इनके जो टेस्टिस होते हैं ना वृषण, वो शरीर के अंदर होते हैं। चलो वो रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ाऊंगा तब मैं आप लोगों को बता दूंगा, अभी तो सिर्फ ये ध्यान रखिए। मेटाप्थीरिया क्या होते हैं, जो बच्चों को तो जन्म देते हैं लेकिन जो बच्चे होते हैं वेल डेवलप्ड नहीं होते, ज़्यादा विकसित बच्चों को जन्म नहीं देता ये, है ना। तो अंडा ना देने वाले स्तनधारी विकसित बच्चों को जन्म नहीं देते, है ना। मतलब बेसिकली इनके बारे में दो चीज़ हो गई। क्या हो गई दो चीज़? वो दोनों चीज़ कौन सी हो जाएगी? एक तो अंडा नहीं देने वाले, ओके, और आपके विकसित बच्चों को जन्म नहीं देने वाले। मतलब ये एक वेल डेवलप्ड, जैसे आपको पता है कुत्ता जो बच्चे को जन्म देता है वेल डेवलप्ड होता है, हम वेल डेवलप्ड होते हैं, बिल्ली वेल डेवलप्ड होती है, तो हम लोग क्या मेटाप्थीरिया में आ सकते हैं क्या? नहीं। तो ये आपका किस में, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कंगारू। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कंगारू, है ना। और ऐसे मैमल्स जो कि वेल डेवलप्ड बच्चों को जन्म देते हैं, विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, वो किस में आ जाएगा दोस्तों? यूथेरिया में आ जाएगा। इसके एग्जाम्पल हम ह्यूमंस जो होंगे वो भी इसी के एग्जाम्पल हो जाएंगे। डॉल्फिन ध्यान रखेंगे, अगर आप लोगों से पूछ ले डॉल्फिन की क्लास क्या है तो गलती से भी इसको पाइसेस में मत रख देना। डॉल्फिन एक मैमल है, एक स्तनधारी है। और क्या हो जाएगा? सी काऊ, सी लॉयन, बैट। आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं, इधर आओ। अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछ ले सी काऊ इसका फाइलम बताओ, तो भैया सी मतलब इसकी क्लास आप लोगों से पूछ ली तो सी काऊ समुद्री गाय, देखने पे ऐसा लग रहा है कि भैया एक प्रकार की मछली है, और आप लोग पाइसेस क्लास में मत रख देना, ये एक मैमल होता है, अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। नेक्स्ट हो जाएगा सी लॉयन, ये भी आपका मैमल होता है, स्तनधारी होता है। और एक आपका हो जाएगा बैट चमगादड़। ये तीनों ही क्या है? आपके यूथेरिया है। यूथेरिया का मतलब है दोस्तों डेवलप्ड बच्चों को जन्म देते हैं, है ना। तो आ जाओ देखो, ये आप लोगों का हो जाएगा सी काऊ समुद्री गाय, ये आप लोगों का हो जाएगा दोस्तों सी लॉयन समुद्री शेर, और ये चमगादड़ तो आप लोगों ने देखा ही होगा, है ना। तो ये बैट हो जाएगा चमगादड़। ये तीनों के तीनों किस प्रकार के मैमल्स है? यूथेरिया है, ओके। आ जाओ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, ब्लू वेल। ये ब्लू वेल क्या एक मैमल है क्या?
ये ब्लू व्हेल क्या एक मैमल है क्या? बिल्कुल, ब्लू व्हेल एक मैमल है। इसके बारे में क्या पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए, सबसे बड़ा स्तनधारी, सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है, सबसे बड़ा मैमल कौन है, लार्जेस्ट मैमल, सबसे बड़ा जो स्तनधारी होता है वो होता है दोस्तों आप लोग का ब्लू व्हेल, वो होता है आपका ब्लू व्हेल। लेकिन अगर आप लोगों से पूछ ले लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल मैमल यानी सबसे बड़ी या सबसे बड़ा स्थलीय, स्थलीय का मतलब क्या, जो जमीन पर रहता है, तो सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोगों का आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर होगा दोस्तों हाथी यानी एलिफेंट। ओके चलो आगे, नेक्स्ट आप लोगों से पूछा जाए स्पर्म व्हेल, इसके बारे में कुछ बात बताइए। तो जो स्पर्म व्हेल होते हैं इसके दांत सबसे बड़े होते हैं, आप लोगों से पूछा जाए सबसे बड़े दांत कौन से मैमल के होते हैं, सबसे बड़े दांत, सबसे बड़े दांत, ठीक है, सबसे बड़े जो दांत होते हैं ये होते हैं स्पर्म व्हेल के। इसके एक एक दांत दोस्तों मतलब एक एक किलो का होता है ऑलमोस्ट, आप देख लो स्पर्म व्हेल है ना, सबसे बड़े दांत होते हैं इसके। तो ये आप लोगों को जैसे मैंने प्रॉमिस किया था एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगा, जंतु जगत पढ़ाऊंगा, तो क्या मैं अपने प्रॉमिस पे खरा उतरा हूँ क्या? तो मैंने एक पार्ट दोस्तों पिछली बार करवा दिया था, दूसरा पार्ट मैंने आज करवा दिया, और आप लोगों को एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत मैंने पूरा कवर करवा दिया है। दोस्तों ये जो जंतु जगत चैप्टर है काफ़ी आपको डिफ़िकल्ट लगता है, तो इसको हर 4-5 दिन के बाद में इसको रिवाइज़ करना मत भूलना, फिर एक बार 2-3 बार रिवाइज़ कर लोगे तब आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो आप लोगों के लिए एक चीज बता दूं कि जो ग्रुप डी 2018 का पहला पेपर हुआ था वो हुआ था 17 सितंबर को। कब हुआ था? 17 सितंबर को। क्या आप लोग इंटरेस्टेड हो ये जानने में कि पहले दिन वाला पेपर कैसा आया था, साइंस के क्वेश्चन कैसे आए थे? तो दोस्तों ये आप लोग वीडियो ज़रूर देखना, मैं अभी करूँगा शाम को 7 बजे। देखो 6 बज चुके हैं, 1 घंटे बढ़िया आराम कर लो, मिलते हैं शाम को 7 बजे। और अगर हम लोग बात करें ये तो 17 सितंबर का है, 18 सितंबर को कैसा पेपर आया था वो डिस्कस करूँगा मैं रात्रि 9 बजे, तो आप लोग ये भूलना मत, ठीक है सर। ट्रू फिश का फाइलम क्या होगा? कॉर्डेटा होगा, और क्या होगा? ओके ट्रू फिश का फाइलम क्या होगा यार? कॉर्डेटा होगा, और क्या होगा? चलिए तो आज के लिए इतना रखते हैं, और मैं आप लोगों को बता दूं आप लोग जीत सकते हो दोस्तों एसएससी का फ्री सब्सक्रिप्शन, अगर आप में हिम्मत है, अगर आप लोग एक मेहनती स्टूडेंट हो तो आप लोग फ्री सब्सक्रिप्शन जीत सकते हो। अनअकैडमी आपको दे रहा है 1 करोड़ की स्कॉलरशिप, तो ये आप लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं? फ्री सब्सक्रिप्शन के माध्यम से। इसके लिए आप लोगों को एक टेस्ट लिखना पड़ेगा, 7 तारीख को टेस्ट होगा 12:00 बजे, इसको एनरोल कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसमें कोड आप लोगों से पूछा जाएगा नीरज 11 कोड लगा के ये टेस्ट देने आ जाना। कब? 7 मार्च को 12 बजे, आज ही एनरोल कर लो जिससे आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए, है ना। तो हर वीक ये आप लोगों का कॉम्बैट होता है, इस टेस्ट का नाम है कॉम्बैट, जिसमें हजारों स्टूडेंट हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस सब्सक्रिप्शन को जीतते हैं। पार्ट 1 कब कराया छोड़ो, तो ये आप लोगों का डेली 1 PM पे क्लास होती है अनअकैडमी पर, इसको आप लोग लाइव आना ना भूले, बहुत शानदार क्लास होती है, सारे शानदार MCQ मैं आप लोगों को यहाँ पर करवाता हूँ, आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों की रैंक भी मिलती है। तो क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पर दोस्तों गोल्स सेलेक्ट करें SSC एग्जाम्स, इसके स्पेशल क्लास में आ जाइए, वहाँ पर आप लोगों से मेरा नाम सर्च करें नीरज जांगिड़, मुझे फॉलो कर ले, यहाँ पर स्पेशल क्लासेज में आपको क्लास मिल जाएगी, समझ गए। अगर आप लोग नए स्टूडेंट हो तो आप लोगों से कोड पूछा जाता है, कोड में आप लोग लगा दीजिए नीरज 11 और आप लोग कर दीजिए अनलॉक, है ना। और दोस्तों आप लोग अपनी बेटर प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन से जुड़ सकते हो, यहाँ पर आप लोगों को सारे कोर्स मिलते हैं, हर कोर्स के लिए अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं है, एक ही कैटेगरी में, जैसे SSC का ले रहे हो तो SSC में पूरे इंडिया में जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हो सबके कोर्स मिल जाएंगे। मेरा साइंस का कंप्लीट कोर्स वहां पर चल रहा है, आप लोग आ सकते हो। यहां पर क्या करना पड़ेगा, SSC एग्जाम्स का जाके गेट सब्सक्रिप्शन करना पड़ेगा, तो यहां पर 12 महीने का जो प्राइस है वो 6500 का होता है, लेकिन रेफरल कोड पूछेगा जैसे ही नीरज 11 लगा दोगे तो ये आप लोगों का मात्र और मात्र 5850 रुपये का पड़ जाएगा। इसके अलावा आप लोग किसी भी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, रेफरल कोड लगाना ना बोले नीरज 11, आप लोग को डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। ओके okay?
शैलेंद्र कुमार जी वो गलती से लिख दिया होगा प्रोटोजोआ फाइलम, तो वही स्लाइड चल रही होगी, आपका प्रोटोजोआ फाइलम इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं शाम को 7 बजे, अपना ध्यान रखिए, और इस क्लास की पीडीएफ मैं आपको कमेंट सेक्शन में करवा दूंगा, दिलवा दूंगा, ठीक है, बाय बाय।